नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? ये वीडियो है अबाउट अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट अलोंग विद आगे और कौन कौन लोग अरेस्ट होंगे, अलोंग विद ये सब अभी सोसाइटी में क्यों हो रहा है, अलोंग विद इसमें हम जो कॉमन मैन हैं ग्राउंड लेवल पे हमारा किस तरह से इन चीज़ों से लेना देना है, चाहे हमारे फायदे के लिए या हमारे नुकसान के लिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं सोसाइटी के सर्टेन एलिमेंट्स के ऊपर अपना व्यू पॉइंट कन्वे कर सकूँ, क्योंकि जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था ओरिजिनली मैं यही किया करता था और मैं वो वापस करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी जग चुके हैं, काफ़ी सब समझ चुके हैं संसार के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए आ रहे हैं या फिर वो सारे लोग जो मेरे काम से कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि पहले वो उससे रिलेट नहीं कर पाए, उनके लिए एक ब्रिज बनाने के लिए मैं ये कुछ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ जो करेंट न्यूज़ के ऊपर होगा। लेकिन वो करंट न्यूज़ के बारे में इन पर्टिकुलरली मैं बात नहीं करूँगा, मैं उसके पीछे के फिनोमिना की बात करूँगा कि ओवरऑल वातावरण में चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना कोई शक्तिशाली पॉलिटिशियन अरेस्ट होना ये कोई छोटी बात नहीं है, बट इन चीज़ों से अब हमने सरप्राइज नहीं होना है क्योंकि अभी आगे और लोग अरेस्ट होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पता है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर हम सोसाइटी को देखें तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इतना ओपनली विजिबल हो गया है हमारे अपने शहरों में, हमारे अपनी सोसाइटी के अंदर और हमारे अपने ही दिमागों के अंदर, कि मैं उसके लिए इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप में से जो मेरे पुराने कनेक्टेड लोग हो, आप लोग ऑलरेडी मुझसे अलग अलग जगहों पर कनेक्टेड हो जहाँ पर मैंने ये प्रेडिक्शंस पहले दी हुई हैं, टेलीग्राम पर मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है 2023 का, 2022 का, 2024 का, और वो सारी चीज़ें अभी सामने सामने सच हो रही हैं। जो लोग नए हैं यहाँ पे वो मेरे काम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी और अभी जो चेतना जिस तरह से चल रही है, क्यों हम ऐसे समय में हैं जहाँ पे हम सब लोग किसी ना किसी रूप में खोए हुए हैं, खुशियों के पीछे भाग रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही एटसेट्रा, आप लोग मेरा काम चेक कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट चल क्या रहा है, और ये थोड़े बिना किसी एजेंडा के रैंटिंग काइंड ऑफ वीडियोस होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक फेनोमेना उठाना चाहता हूँ, सच एज एक पर्टिकुलर बड़ा पॉलिटिशियन पकड़ा गया है और करप्शन रिलेटेड पकड़ा गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें कि ये अब और होने वाला है और ऐसे लोग होंगे जो पकड़े जाएंगे और उनको सबक सिखाया जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से संसार चल रहा है या जिस तरह से सोसाइटी चल रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है हम लोगों के लिए। मतलब आज अगर आप बाहर सोसाइटी को एग्जामिन करो, जिस रूप से कहने को मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल लोग हैं जो गांव छोड़ के शहर भाग रहे हैं सपनों के लिए, जॉब्स के लिए एटसेट्रा, मेट्रो शहर में लाखों की भी पर मंथ की इनकम हो फिर भी महीने के एंड पे भिखारी जैसा लगता है क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं। नॉट जस्ट दैट, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट भी सारे पॉलिटिशियंस ने इस तरह से करवाई है कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा है कि अल्टीमेटली क्या इसके अंदर बैलेंस है, क्या इसके अंदर कोहिजिवनेस है। जिस तरह से हम मॉडर्नाइज या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो टोटली अनकॉन्शियसली किया गया है। उसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप हमारे शहर देख लो जहां पे पागलों की तरह मेट्रोज में कंस्ट्रक्शन हो ही जा रही है। कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल लैंड जैसा रिसोर्स प्राइवेट लोगों को बेच पाती है जो बहुत वेल्दी लोग होते हैं और उनके साथ कनेक्टेड होते हैं और इनका सबका बीच में रिलेशन चलता है, आप लोगों को पता है, वोटिंग के लिए, रिगिंग के लिए एटसेट्रा। मैं किसी पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जिस तरह से डेमोक्रेसी कहने को इंडिया में चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सदियों से ऐसे सिस्टम्स चले आ रहे हैं, ये किसी फॉर और अगेंस्ट किसी लेफ्ट या राइट किसी पार्टी या नॉन पार्टी के बारे में नहीं है। क्योंकि मेरा एम है इन चीज़ों के बारे में बात करके ये कन्वे करना कि हम लोग को ना ये जो सेपरेशन का इल्यूजन है कि अरे अब ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी ये हमें बचाएगी या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी हारेगी ये हमें बचाएगी, ये जो सेपरेशन का इल्यूजन है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर हमेशा से यूज किया गया है हम लोगों को गधा बनाने के लिए, जो कॉमन मैन सोसाइटी के पिरामिड के सबसे बॉटम पे है। लेकिन ये जो मैं अभी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू, ऑलरेडी द फ्री मैन जो हमारा काम है उसके थ्रू बहुत सारे लोग सॉवरेंटी और सेल्फ ओनरशिप की तरफ जग चुके हैं। लेकिन अब मैं सोसाइटी की कमेंट्री थोड़ी करना चाहता हूं ताकि जिन लोगों को ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी, बॉलीवुड एटसेट्रा, वो लोग थोड़े जग सकें कि आप लोग सो रहे हो बहुत बुरी तरह से। तो
मैं जो अर्बनाइजेशन का एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप हमारे शहर वगैरह देखोगे, बेसिकली आपको क्या नोटिस होएगा कि ठूसे जा रहे हैं लोगों को वहां पे, और लैंड बेच के, और यू नो फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर इतना ज्यादा करप्शन है, 10 फ्लोर का परमिशन मिलता है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, फिर उसके ऊपर अगर केस भी करना है, कुछ भी करना है, हमारा जुडिशियरी सिस्टम ऐसा है कि 20-40 साल तो निकल ही जाते हैं, उसके बीच में जिन लोगों को पैसा बनाना है वो बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जितने लोगों को वो ठूसे जा रहे हैं अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, और जितने लोग उस सपने के पीछे अपना पूरा घर बार छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, एंसेस्ट्रल जमीन छोड़ रहे हैं एटसेट्रा, और इन जगहों पे जा रहे हैं, आप मेरे को ये बताओ कि क्या शहर के अंदर होके आज आपको सच में पीस ऑफ माइंड या प्रॉस्पेरिटी या मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट फील होती है, जब हवा में इतनी धूल और सीमेंट घूम रहा है क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब हमारी सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है जितना ज्यादा वो लोगों के लिए बिल्डिंग बना के एक नेबरहुड के अंदर ठूसते हैं, ना पानी के सप्लाई हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ऑन अ पर कैपिटा बेसिस थोड़ा इक्विटेबल होना चाहिए ना सबके लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई शहर एक्सपैंड करना है, और मैं यहाँ पे पूना जैसे शहर का एग्जांपल यूज करना चाहता हूँ, जो एक ऐसा शहर है जो इंडिया में मैंने सबसे ज्यादा देखा है जब मैं इंडिया में रहा हूँ, कि ये इतना सुंदर और इतना प्यारा शहर है जिसको इन्होंने पूरा का पूरा अब बर्बाद कर दिया है, और बर्बाद भी बताऊँ कैसे किया है। इस पूरे शहर में एक सड़क नहीं है जहाँ पे अगर आप 4-व्हीलर चलाओगे चारों पहिए एक ऑल्टीट्यूड करेंगे। ठीक है, एक भी सड़क नहीं है ऐसी, जबकि ऐसी सड़कें पहले थी। एक बहुत बड़ी सड़क है यहाँ पे नगर रोड करके, जहाँ पे बेसिकली मेरा कॉलेज का रास्ता हुआ करता था, वहां पे इन लोगों ने BRTS के लिए पूरी तोड़फोड़ करके, वो रोड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की थी, उन्होंने BRTS का सब बनाया जो उसके बाद कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया, और उसकी वजह से वो रोड पूरी बर्बाद हो गई। मैं कॉलेज पहले साल में 6 मिनट में पहुंचता था, तीसरे साल तक मैं 25 मिनट से ऊपर लगते थे जाने के लिए वही डिस्टेंस। तो जितने भी सपने हमें बेचे गए मॉडर्नाइजेशन के, सिटी लाइफ के, प्रॉस्पेरिटी के, हाई क्लास लाइफस्टाइल के, आप प्लीज समझो कि ये मायावादी दुनिया के मैकेनिज्म्स, जितने भी लोग पावर में हैं सिर्फ उनको उससे फायदा हो रहा है। आप अगर मायावादी दुनिया के खिंचाव की तरफ भागोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में पैसा मत कमाओ या अच्छी लाइफ मत परसू करो, मैं ये किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि प्लीज जग जाओ, समझो कहाँ पे आपको गधा बनाया जा रहा है वर्सेस कहाँ पे आप अपने ये गोल्स अचीव कर सकते हो अपने माध्यम के थ्रू, कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, क्या मेरे को ये सच में पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। क्योंकि सोसाइटी के अंदर ओवरऑल जिस लेवल का अनहैप्पीनेस या डिसकंटेंट या फ्रस्ट्रेशन आज है, ऐसा कभी हमने पहले नहीं देखा है। ठीक है, तो आप प्लीज एग्जामिन करो कि क्या इन चीजों का पॉइंट है जो आप सोसाइटी में इतने सारे लोगों को देखते हो कॉर्पोरेट जॉब्स के पीछे भागने में, क्योंकि शाइनी शाइनी बिल्डिंग्स है और लगता है कि यू नो तनख्वाह मिलेगी ये वो, लेकिन वहां अंदर कोई भी दिल से अपनी कंपनी या अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो लोग भी अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और देखभाल नहीं करते। पूरी दुनिया उल्टी चल रही है, कॉर्पोरेट्स के अंदर आपको गधा मजदूरी करवाई जाएगी लेकिन बोला जाएगा वी केयर सो मच अबाउट आर एम्प्लॉयज, हमने इतने इनिशिएटिव लेते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस, ह्यूमन वेलफेयर वगैरह वगैरह सब बकवास है, सब पैसे के साइकिलिंग के तरीके हैं ताकि टैक्स बच जाए एटसेट्रा। जिस तरह से अगर हमारी सोसाइटी में ऑब्जर्व करेंगे, इतने ज्यादा अब प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं जो सिर्फ अगेन जो पीपल इन पावर है उनका तरीका है अपने ब्लैक मनी को साइकिल करके वाइट करने का थ्रू दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ये लोग जिस तरह की डिग्री आपको दे रहे वगैरह इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है वहां पे किस लेवल की पढ़ाई चल रही है या असली में किस लेवल का स्टैंडर्ड है या फिर असली में एजुकेशन के बारे में कितना केयर करते हैं लोग। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो बिजनेस फैमिलीज ब्लैक मनी वालों के भी बच्चे जा रहे हैं, वहां पे बेसिकली आप पैसा देके अपना अटेंडेंस क्लियर कर सकते हो, पैसा देके अपना नेक्स्ट ईयर डाउन हटवा सकते हो, सारी चीजें बेसिकली पैसे के ऊपर चल रही है, लेकिन इससे ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक घिनौनापन आ रहा है, वो घिनौनापन हम सबको फील हो रहा है, और वो इतना ज्यादा पोलराइजिंग है या फिर इतना कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि जब लेबर क्लास भी फॉर एग्जांपल या जो लोग गांव में हैं उनको अभी अभी 4G और इंटरनेट पकड़ा दिया है, वो फोन जब देख रहे हैं ना तो उनको फोन के अंदर जो दुनिया दिख रही है वर्सेस उनकी जो रियल दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ घृणा आ गई है, एज वेल एज जलन आ गई है, एज वेल एज जिस नजर से लोग एक दूसरे को देखते हैं सोसाइटी में, इट इज नॉट रिस्पेक्टफुल या इट इज नॉट कि हम सबके अंदर वो आत्मा को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हम सब बेसिकली अलाइव हैं, जिंदा हैं और जीव हैं। सोशल मीडिया और इतनी सारी जो मशीनरीज हैं बड़े लेवल की जो इंसानों को कंट्रोल कर रही हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है कि हम लोग एक दूसरे को अब एकदम वर्थलेस तरीके से देखते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते लोगों को। आप खुद सोचो मैं यहाँ पे सॉरी अलग अलग टॉपिक्स को छू रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मैं कैसे आपको कैचअप करवाऊं ऑन सो मच, क्योंकि मैं तो 2016 से ये काम यूट्यूब पे कर रहा था और उसके बाद अब मेरा जो
काम होता है इंडिविजुअली लोगों को हेल्प करने का, या मेरा मैस्कुलिनिटी का जो काम है या सोसाइटी में अवेकनिंग रिलेटेड जितना काम है वो हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, मेरी जो sarat.com वेबसाइट है या फिर जो द फ्री मैन का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे एक्चुअल एजुकेशन का इस प्लेटफॉर्म पे कोई फायदा नहीं है, तो सब लोग वहीं पे वैसे ही सीखते हैं हमसे। लेकिन मैं ये बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को पहुंच पाए जो लोग नए हैं इन सब चीजों से, और जो लोग आज भी न्यूज पॉलिटिक्स बॉलीवुड स्पिरिचुअल गुरुज को मानते हैं। आप प्लीज ये समझो कि ये ट्राइफेक्टा है जो यूज किया जाता है सोते हुए लोगों को सोते हुए रखने के लिए, ठीक है। तो राउंडिंग बैक टू आज जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था अबाउट द पॉलिटिशियन एंड करप्शन एट्सेट्रा, इससे आप सरप्राइज मत होइए, ओवरऑल जो चेतना के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसमें और एक्सपोजर होएगा, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने बहुत टाइम से गलत किया है, स्पेशली ऐसे गलत काम जो मल्टीपल जीवों को असर किए, ठीक है। कुदरत का एक खुद का सिस्टम होता है बैलेंसिंग का, मैं यहाँ पे गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक ऐसा टाइम स्पैन एंटर कर रहे हैं जो इतना यूनिक है और वो ऑलरेडी 4-5 साल से शुरू हो चुका है, बट उसके बारे में नेक्स्ट मैं कभी किसी वीडियो में बात करूंगा, कोविड रिलेटेड या कोविड के बाद और कोविड के पहले की लाइफ एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा होगा जब सब खुल जाएगा तो लाइफ अच्छी होगी। आप प्लीज एग्जामिन कर लीजिए कि कोविड वाले टाइम के पहले क्या लाइफ ज्यादा अच्छी थी या कोविड वाले टाइम के बाद लाइफ ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लोग मेजॉरिटी दिखे हैं और जितने नए न्यूज़ के पीसेज हैं, चाहे हेल्थ की पिक्चर ले लो, बच्चे आजकल डिप्रेशन एंग्जाइटी की मेडिकेशंस पे हैं और मतलब अंदर से ख़त्म है लोग, क्योंकि ना ऐसा कब्जा किया हुआ है ये टेक्नोलॉजी ने जो एक जिंदा जीती हुई कॉन्शियसनेस है, और उसके अंदर से क्या मैसेजेस आपके पास पहुंचते हैं, यू नीड टू बी एबल टू रीड थ्रू द लाइंस। तो एनीवे ये मेरा एक छोटा प्रयास था, होपफुली दिस इज हेल्पफुल एंड होपफुली ये आप दूसरे लोगों को बता सकते हो, क्योंकि आपको मेरे पुराने काफी वीडियोस या काफी मेरा काम देखना पड़ेगा इस सबके रूट तक जाने के लिए और समझने के लिए। और हम लोग बाकी वेबिनार्स वगैरह करते हैं, Q&As करते हैं वंस इन अ वाइल, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप्स पे रजिस्टर्ड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द फ्री मैन इंस्टाग्राम आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि हमारे रियल लाइफ कम्युनिटी मीटअप्स भी होते हैं। जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बकवास नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे लोगों का साथ में आना, एट अ कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग साथ में आना। ऐसे नहीं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या हम इस रिलीजन के हैं, आप प्लीज समझिए कि ये सारे डिवाइड्स इल्यूजन्स हैं हमें अपने ही लाइफ फोर्स के अंदर डिवाइड करने का और दूसरों के भी खिलाफ डिवाइड होने के लिए, जिससे कोई भी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। संसार में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वननेस या ट्रूथ की तरफ आना जरूरी है, जिसके लिए सारी सरहदें मिटाना जरूरी है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना जरूरी है, क्योंकि सच की कोई साइड नहीं होती। आप चाहे पॉलिटिक्स को एग्जामिन करो, या मैं अगली बार समझ लो कोई बॉलीवुड चीज की बात करूं, या आज तत्वा करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पे एक फीमेल इन्फ्लुएंसर को इंटरनेट ने बहुत झाड़ा है, क्योंकि उसने बोला मैं अपने हस्बैंड को स्लेव बना के बेचूंगी। मैंने वहां पे कमेंट डाला है फेमिनिज्म के ऊपर, जिसको ऑलरेडी 1000 लाइक से ऊपर मिले 2 घंटे से कम के अंदर। वो इसलिए क्योंकि अब जो संसार में कॉमन कॉन्शियसनेस एवरेज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उतनी ऊपर आ गई है कि वो समझना शुरू हुए कि फेमिनिज्म ने ज्यादा डैमेज किया औरतों और सोसाइटी को कंपेयर टू मदद करना। और ये चीज जब मैंने काम चालू किया था यूट्यूब पे 2016 से मैं बात कर रहा हूं, जब सबने मेरे को अटैक किया, क्योंकि उस टाइम जियो पोलिटिकल एजेंडाज ये सीड्स फैला रही थी इंडिया के अंदर, बट हम वेस्ट को देख के देख सकते थे कि उनकी सोसाइटी खत्म हो गई इन मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो मैंने बहुत मार खाई है पहले ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि लोग कैचअप कर पा रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ज़्यादा आगे हूँ, मेरी बस पर्सनल इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन बहुत यंग एज से ऐसी चीज़ों पर रही है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा अगर जो नए हो, आप लोग अगर मेरा काम एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं किस प्रकार की बातें करता हूँ और अगली ट्रूथ्स कितने होते हैं उसके अंदर। और जो पुराने लोग हैं, अगर आपको सेंस बन रहा है और आप मेरे साथ अभी तक हो, आप ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।